बहुत ज्यादा जोश मैंने देखा, लेकिन ये परिणाम आने के बाद नौजवानों को बहुत धक्का लगा है सर। कोई बात नहीं, ऐसा है, कोई धक्के की बात नहीं। चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। मैं बार बार कहूंगा कि कोई 15 दिन में इस तरह का चुनाव लड़के दिखा दे तो हम मान जाए उसको। 15 दिन ही तो लड़े थे ना सर। अब आगे की लड़ाई आप देखिएगा। कुछ लोग अगर ट्राई करके नहीं मिले उनके लिए क्या करें? अरे उनके लिए हम कोई ऐसा थोड़ी कि आज हम ईश्वर ने हम अभी हम जिंदा हैं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हर 2-3 महीने भी ये होता है। अब हम क्या, एक मिनट भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस है। जैसे हमने कहा जो नाम बचे हैं नोट कर लो, एक 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 दो दो करके तो लाएंगे नहीं जी। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, जैसे 200-400 इकट्ठा हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेरा असल में प्रयास ये रहता है ठेले वेले को लेकर के कि भाई देखिए हम रोजगार सबको दे नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को हमारे जरिए 200-500 की इनकम हो जाए तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने एक जिंदगी दिया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। अब आप पूछ लीजिए सर, क्या MIM से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। मैं MIM का मजबूत सिपाही हूँ और इस वक्त तो जो आप लोगों को लग रहे हैं नतीजे को लेकर के, वो इसलिए लग रहा है कि भाई 15 दिन में चुनाव लड़े, अब पार्लियामेंट में दिखाएंगे अपनी ताकत को। MIM 99% जगह जमानत जब होगी वाला आप ही की जमानत। कोई बात नहीं, जहाँ जब हुई होगी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं 15 दिन में लड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, विपरीत स्थितियों में पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को सारी चीजें मालूम है ना, कुछ चीज छिपी नहीं है। मैं बनाऊंगी कोई बात नहीं कहता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ मात्र। अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया। तो अगर इफेक्टिवली हम जोड़ा जाए 15 नहीं तो 17-18 दिन होंगे। अब तो सालों हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हूँ। और अगर नहीं रखी जाएगी तो जब ये 2 साल बाद है, 2 साल तो मेरे लिए बहुत सर है। मेरा एक सवाल और है, 2014 में आप मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, सर 2024 में क्या आप किस्मत आजमाएंगे एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से? उसी सवाल को आप दोहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 100% लड़ूंगा जी सर। ये जमीन मेरी है, ये मिट्टी मेरी है, को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता। मैं अपना हाथ लगा। शुक्रिया सर।